हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और मैंने अपना जो पीएचडी है वो एल्जेब्रा में किया है और स्टूडेंट मैं सीएसआई नेट भी क्लियर हूं और मैं अपने जो वीडियोस हैं वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए अपलोड करता आ रहा हूं। आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, स्टूडेंट्स बोलते हैं सर ये वीडियोस कहाँ हैं, तो आप प्लीज़ अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप, मैं यहाँ पे जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उस प्लेलिस्ट में जाके सभी टाइप के मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी, तो वहाँ जाके आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरा जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे आप जाके कमेंट कर सकते हैं। और स्टूडेंट कहीं छोटी मोटी मैंने हो सकता है प्लस माइनस की छोटी मोटी मिस्टेक है तो आप प्लीज़ वहाँ पे जाके कमेंट कर सकते हैं, सो देट कि मैं उसको रेक्टिफाई करूँ। और मैं जो मेरा पिन कमेंट है वहाँ पे भी मैं उसको डालने वाला हूँ, जिससे कि आपको पता पड़ेगी सर ने इसमें ये मिस्टेक कर दी, सो देट कि उसको आप अवॉइड करें। और स्टूडेंट्स अगर आप सीएसआईआर नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाके अन अकेडमी का ऐप इंस्टॉल करें, देन वहाँ पे आप गजेंद्र पुरोहित सर्च करें, देन आप मुझे वहाँ पे फॉलो करें, सो देट कि मेरे जितने भी कोर्सेज है उन सभी कोर्सेज के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और आप मेरे कोर्स को रेट करें, रिव्यू करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सो देट कि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने स्टार्ट करने वाला हूँ लॉगरिथमिक टेस्ट फॉर द इनफाइनाइट सीरीज। जब हम किसी भी इनफाइनाइट सीरीज का कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस टेस्ट करते हैं तो यहाँ पे हम बहुत सारे टेस्ट को डिस्कस कर रहे हैं, सो आज हम डिस्कस करेंगे लॉगरिथमिक टेस्ट। इससे पहले मैं आपको रैप टेस्ट बता चुका हूँ स्टूडेंट। ये सभी टेस्ट जब यूज़ होते हैं, जब डिलिमिट रेशियो टेस्ट यहाँ पे फेल हो जाता है तब हम यूज़ करते हैं। तो आप बोलोगे सर आपने अभी तो रैप टेस्ट बताया था इससे पहले, तो फिर इसकी क्या ज़रूरत है। जब रैप टेस्ट के अंदर हम लिमिट निकालते हैं और वो लिमिट निकालने में हमें प्रॉब्लम होती है तो उस वाले केस में हम इस लॉगरिथमिक टेस्ट को यूज़ करते हैं, क्योंकि कुछ कंडीशन में ये वाला टेस्ट ईजियर पड़ता है एज़ कम्पेयर टू रैप टेस्ट। और मेरे जो स्टूडेंट पुराने जितने भी वीडियोस हैं जो इन्फाइनाइट सीरीज़ पे मैंने यहाँ पे अपलोड किए हैं वो यहाँ IIT-JAM यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। और स्टूडेंट बाकी मेरे और भी वीडियोस हैं लाइक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पे और बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो वो भी मेरे वीडियोज़ यहाँ पे अपलोडेड हैं, तो आप यहाँ पे IIT-JAM यहाँ जाके देख सकते हैं। और स्टूडेंट मेरे चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, उसमें मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ अपलोडेड हैं। सो स्टूडेंट मैं अभी तक लगभग 120 वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ और आगे भी मैं आपके करता रहूंगा। और आपके जो भी रिक्वायरमेंट्स है या जो भी आपके कोर्सेज की रिक्वायरमेंट आती है, सर ये अपलोड करिए या वो अपलोड करिए, तो मैं जल्द से जल्द उनको अपलोड करने की कोशिश करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो बहुत अच्छे जाएंगे और मैं आपको पूरी हेल्प करता रहूंगा। और स्टूडेंट यहाँ पे अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले, सो देट कि मेरे जितने भी आने वाले वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सो स्टूडेंट देखिए आप लॉगरिथमिक टेस्ट होता क्या है और कैसे हम यहाँ पे इसका चेक करते हैं कि सीरीज़ कन्वर्जेंट है या नहीं है। सो स्टूडेंट क्या होता है, सबसे पहले हम रेशियो टेस्ट अप्लाई करते हैं और अगर रेशियो टेस्ट फेल होता है तब हम इसकी लिमिट चेक करते हैं, मतलब इसकी वैल्यू निकालते हैं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n log un अपॉन un प्लस वन, अगर इसकी वैल्यू एक से ज़्यादा है तो सीरीज़ यहाँ पे क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। और अगर इसकी वैल्यू एक से कम है तो सीरीज़ यहाँ पे क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है। बशर्ते ये कंडीशन तो हर जगह रहती है, समेशन un ऑफ पॉजिटिव टर्म है ना, ये तो हर टेस्ट में सबसे पहले ये लाइन लिखी हुई होगी, राइट। सो क्वेश्चन देखिए आप, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, आपको ये सीरीज दे रखी है और आपको ये पता लगाना है कि भैया ये जो सीरीज है कन्वर्जेंट है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका यू एन निकालेंगे। सो यू एन क्या आएगा स्टूडेंट इसका, वन टू है ना, वन टू थ्री, तो ये आएगा एन पावर एन माइनस वन, देन यहाँ पे आएगा ये एक्स पावर एन माइनस वन अपॉन एन फैक्टोरियल है ना, ये इसकी एन टर्म आएगी। अब आप बोलोगे सर आपको तो पता है, आप इतने टाइम से क्वेश्चंस करा रहे हो, हमको थोड़ी पता है इसकी यू एन टर्म इसकी ही आएगी। तो भैया आप चेक कर सकते हो, जहाँ पर एन है वहाँ रखो वन, वन रखो तो वन रखने पर देखो यहाँ पे पावर वन रखने जीरो आ रहा है, मतलब ये आ रहा है। जब आप टू रखोगे तो टू पावर टू माइनस वन एक्स पावर टू माइनस वन, ये तो बिल्कुल आप वन वन रखोगे दिया आएगा, टू रखोगे दिया आएगा, थ्री रखोगे दिया आएगा, है ना। तो इससे और वैसे भी आप देखो वन आ रहा है, फिर टू आ रहा है, फिर थ्री आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये बढ़ता जा रहा है, तो ये नेचुरल एन आएगा। ये पावर ये टू है तो इसकी पावर वन, ये थ्री है तो इसकी पावर टू, तो एक पावर कम है तो एन माइनस वन आएगा ना, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा, है ना। ठीक है, इधर देखिए आप लोग नेक्स्ट अब क्या करेंगे, इसका यू एन प्लस वन टर्म निकालेंगे। तो एन प्लस वन टर्म क्या आएगी स्टूडेंट, ये आएगा एन प्लस वन पावर एन एक्स पावर एन अपॉन, ये आएगा एन प्लस वन फैक्टोरियल। देन हम यहाँ पे चेक करेंगे किसकी वैल्यू निकालेंगे, सबसे पहले लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव यू एन अपॉन यू एन प्लस वन की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, सॉरी यू एन प्लस वन अपॉन यू एन है ना, उल्टा। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, रेशियो टेस्ट लगा रहे हैं ना, तो रेशियो टेस्ट के लिए हम यहाँ पे किसकी वैल्यू चेक करते हैं, यू एन प्लस वन अपॉन यू एन। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्या आएगा, ये एन प्लस वन और एन
x power n upon n plus 1 factorial and then ये आप नीचे रखेंगे तो मैं इसको उल्टा कर रहा हूँ तो ये आएगा n factorial upon n power n minus 1 into x power n minus 1 तो इसको आप जैसे सिंप्लीफाई करोगे क्या होगा देखो स्टूडेंट यहाँ पे ये जो n plus 1 है इसको आप क्या करिए या तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए या आप एक काम और कर सकते हैं हम कि यहाँ पे क्या करें इसको ये जो n factorial n plus 1 factorial इसको हम थोड़ा सा इसको खोल सकते हैं तो खोलेंगे तो क्या आएगा देखो यहाँ पे ये आएगा n plus 1 power n ये x तो कैंसिल हो गया तो ऊपर तो क्या बचेगा सिर्फ x बचेगा है ना और यहाँ पे ये n factorial तो इसको n factorial को as it is रहने दीजिए आप है ना और ये आएगा आपका n plus 1 तो मैं इसको खोलता हूँ तो ये आएगा n plus 1 into n factorial है ना एक कम किया मैंने देन यहाँ पे ये आएगा आपके पास n power n minus 1 तो स्टूडेंट ये n factorial से n factorial क्या हो गया कैंसिल और ये n plus 1 है और ये n plus 1 की पावर n है तो ये कैंसिल होगा तो एक पावर क्या हो जाएगी ऊपर कम हो जाएगी तो मैं इसको इस तरह से यहाँ लिखता हूँ सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव यू एन प्लस वन अपॉन यू एन इज इक्वल टू क्या बचेगा ये मैं कैंसिल कर रहा हूँ तो ये आएगा n प्लस वन पावर n माइनस वन अपॉन n पावर n माइनस वन इंटू एक्स देन मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ स्टूडेंट तो यहाँ पे क्या आएगा ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव यू एन प्लस वन अपॉन यू एन इज इक्वल टू मैं इस n को अंदर लेता हूँ है ना तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव मैं इसको अंदर लेता हूँ तो ये आएगा वन वन प्लस n अपॉन n पावर n माइनस वन इंटू एक्स और इसको हम डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव वन अपॉन वन प्लस n पावर n माइनस वन इंटू एक्स और हम जानते हैं इसकी जो वैल्यू n टेंस टू इन्फिनिटिव कितनी होती है e होता है इसकी वैल्यू किसके बराबर आती है e के बराबर आती है सो यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी ई एक्स आएगी ना इसकी वैल्यू e आएगी राइट और x तो है ही है तो ये कितना आएगा ई एक्स सो बाय डी एल लंबर्ड रेशियो टेस्ट सीरीज इज फर्स्ट कन्वर्जेंट एफ क्या होता है इसकी वैल्यू एक से कम हो दैट इज ई एक्स इज लेस देन वन दैट इज एक्स इज लेस देन वन अपॉन ई है ना सेकेंड डाइवर्जेंट इफ ई एक्स इज ग्रेटर देन वन दैट इज एक्स इज ग्रेटर देन वन अपॉन ई और जब क्या होता है टेस्ट इज फेल कब होता है फेल If x ex is equal to 1, that is x is equal to कितना आ जाता है 1 by e आ जाता है ना अगर इसकी वैल्यू 1 by e आ जाती है तो यहाँ पे टेस्ट क्या हो जाता है स्टूडेंट फेल हो जाता है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ये x is equal to 1 by e उठा के कहाँ रखेंगे यहाँ रखेंगे और हम इसकी वैल्यू चेक करेंगे तो पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या होना क्या करना पड़ेगा लॉगरिथमिक टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा अब आप बोलोगे सर लॉगरिथमिक टेस्ट अप्लाई करने की क्या जरूरत है सर ट्रैप टेस्ट भी तो ये क्वेश्चन हो सकता है तो मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान दे दूँगी क्यों नहीं हो सकता है मैं थोड़ा यहाँ जगह लेता हूँ है ना सो ये आपको इसकी वैल्यू दे रखी है तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ यू एन अपॉन यू एन प्लस वन एक बार चेक कर लेते कितना आएगा तो ये इसकी वैल्यू इसको जस्ट उल्टा करेंगे तो ये आएगा एन अपॉन वन इसको आप ये यहाँ से वैल्यू रख ले ज़्यादा अच्छा रहेगा है ना तो ये आएगा n पावर n माइनस वन अपॉन n प्लस वन पावर n माइनस वन इंटू ये x है ना तो ये वन अपॉन x हो जाएगा तो आप ये वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे है ना लेट x इज इक्वल टू क्या करेंगे अपन वन अपॉन e पे चेक करेंगे ना तो हम सबसे पहले अब देखिए यहाँ पे ये पावर आ रहा है ना जब भी पावर आता है तो हम इस टाइप की जो टर्म होती है उसको किस तरह सॉल्व करते हैं लॉग से सॉल्व करते हैं किससे करेंगे लॉग से क्योंकि यहाँ पे अगर आप रैप टेस्ट अप्लाई भी करोगे तो रैप टेस्ट इसकी लिमिट को सॉल्व करना हमारे लिए क्या पड़ जाएगा भारी पड़ जाएगा ना तो हम यहाँ पे लॉग टेस्ट यूज करेंगे तो क्या करेंगे स्टूडेंट देखिए आप लोग यहाँ पे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव एन लॉग यू एन अपॉन यू एन प्लस वन इसकी वैल्यू हम निकालेंगे राइट है ना तो पहले मैं आपको बता दूं यहां से सबसे पहले मैं इसका लॉग ले लेता हूं सबसे बेटर रहेगा कि लॉग क्या आएगा देखिए आप लॉग यू एन मैं थोड़ा सा मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहां लिख देता हूं ज़्यादा अच्छा रहेगा है ना तो ये आएगा लॉग यू एन अपॉन यू एन प्लस वन तो यहां से इसका लॉग लेंगे अपन तो मैं क्या करता हूं ये जो पावर है इसको अपन क्या करते हैं एन अपॉन
एन प्लस वन पावर यहाँ पे लिख देते हैं एन माइनस वन और ये वन अपॉन एक से, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास वन अपॉन ई की जो वैल्यू है मैं इसको लिखता हूँ, तो वो ई की वैल्यू कितनी आएगी वन अपॉन एक्स, तो जहाँ पे वन अपॉन एक्स वहाँ क्या रख देंगे हम ई रख देंगे, राइट है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाइड मैनर में लिख देता हूँ, तो ये आएगा एन माइनस वन है ना लॉग, इस एन को आप नीचे ले लीजिए तो ये आएगा वन अपॉन वन प्लस एन प्लस ये आएगा आपके पास लॉग ई ई है ना, और यहाँ पे ये क्या हो रहा है एन माइनस वन डिवाइड नहीं होगा, बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा। देन इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ स्टूडेंट, तो ये आएगा एन माइनस वन लॉग है ना, यहाँ पे आप चाहो तो इसको माइनस कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा देखिए आप लोग, मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख सकता हूँ, तो यू एन प्लस वन बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे सही चल रहे हैं हम लोग है ना। देन वन माइनस एन, तो माइनस को बाहर ले लीजिए आप, तो माइनस को बाहर लेंगे तो ये आएगा वन माइनस एन वन अपॉन वन प्लस एन प्लस वन हो जाएगा, ये ना लॉग ई कितना होता है वन होता है, तो ये वैल्यू उठा के मैं यहाँ रखूँगा, तो देखिए अब क्या होगा यहाँ पे मैं इसको यहाँ रख रहा हूँ, तो यहाँ पे ये एन ऑलरेडी है, तो ये आएगा एन वन माइनस एन लॉग, ये आएगा वन अपॉन वन प्लस एन है ना, वन अपॉन वन प्लस एन प्लस वन, ठीक है। नाउ इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट, मैं थोड़ा सा यहाँ सिंप्लीफाई करता हूँ, इस सीरीज को खोलना पड़ेगा आपको, तो जैसे आप इसको खोलोगे तो ये आएगा n वन माइनस एन और यहाँ पे इसकी सीरीज बनाएंगे हम लोग है ना, तो सीरीज क्या आएगी हम जानते हैं लॉग वन प्लस एक्स की सीरीज क्या होती है वन अपॉन वन माइनस एन वन अपॉन टू एन स्क्वायर प्लस वन अपॉन थ्री एन क्यूब, इस तरह से चलता रहेगा ये माइनस करके, और ये n अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो ये आएगा आपके पास प्लस n। देन इसको आप अंदर लेके जाइए, तो अंदर लेके जाएंगे तो क्या होगा आप जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट और मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो मैं इसको अंदर ले लेता हूँ, ये आएगा n माइनस एन स्क्वायर, देन आप देख रहे हैं यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी वन अपॉन एन वन अपॉन टू एन स्क्वायर प्लस थ्री एन क्यूब, चलता रहेगा आगे है ना प्लस का n, देन आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगी वैल्यू n से n यहाँ पे कैंसिल होगा और देन इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी, यहाँ से मैं n को मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंदर और n को मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करूँगा यहाँ पे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी यहाँ पे आपको इसको n को मल्टीप्लाई किया और n स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो n स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी वन माइनस वन बाय टू एन, इस तरह से आएगा यहाँ पे। देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे जैसे n टेंस टू इन्फिनिटी लेके, सो स्टूडेंट देखिए आप लोग यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो n है इसको मल्टीप्लाई करूँगा इस पूरे से, तो ये आएगा n को जैसे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा 1 और यहाँ पे आएगा n को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा माइनस का 1 अपॉन 2 n नीचे रह जाएगा, देन इस तरह से टर्म आती जाएगी, देन माइनस इस n स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करूँगा स्टूडेंट तो ये क्या आएगा ऊपर आएगा माइनस का n है ना, क्योंकि माइनस का n आएगा तो माइनस का n मैं लिख देता हूँ यहाँ पे है ना, देन ये n स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का 1 बाई टू, देन ये अंदर आएगा तो इसकी वैल्यू आएगी 1 अपॉन 1 प्लस 3 n और माइनस यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट, और इस तरह से यहाँ प्लस चलता रहेगा ये, फिर यहाँ प्लस n तो ऑलरेडी है तो ये प्लस n से माइनस n क्या हो जाएगा स्टूडेंट कैंसिल हो जाएगा, और मैं ये लिमिट लिखना भूल रहा हूँ तो प्लीज़ आप यहाँ पे लिमिट को लिख लें, ये मैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी आएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी आएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, प्लीज़ आप इसको सही कर लें, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी आएगा, और जैसे हम n टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे स्टूडेंट तो ये वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये वाली जीरो हो जाएगी, तो यहाँ पे 1 और 1 बाई टू बचेगा, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3 बाई टू विच इज़ ग्रेटर देन 1, और ग्रेटर देन 1 आ रहा मतलब ये सीरीज यहाँ पे क्या होगी कन्वर्जेंट होगी, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ और मैं लिख देता हूँ है ना क्या आएगा यहाँ पे, मैं इसको हटा रहा हूँ और यहाँ लिख रहा हूँ, सो सीरीज इज बाय logarithmic test series is convergent at x is equal to 1 by e, so yahan pe aapko kya karenge, hence series is convergent at, देखो x इज इक्वल टू 1 बाई ई पे कन्वर्जेंट है और एक इस पे कन्वर्जेंट है, तो इन दोनों को मर्ज करेंगे हम तो क्या आएगा x इज लेस देन इक्वल टू 1 बाई ई एंड डाइवर्जेंट एट x इज ग्रेटर देन 1 बाई
ई. तो स्टूडेंट मैं फिर से आपको बता दूं, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दे रखा हो कि टेस्ट सीरीज ऑफ कन्वर्जेंस, तो हम सबसे पहले यू एन लेंगे, देन इसका यू एन प्लस वन लेंगे, देन यहाँ पे हम रेशियो टेस्ट अप्लाई करेंगे. रेशियो टेस्ट अप्लाई करने के बाद हमारे पास इसकी वैल्यू ई एक्स आ रही है. अगर इसकी वैल्यू एक से छोटी है तो सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, एंड एक्स से बड़ी है तो सीरीज डाइवर्जेंट होगी. और जब बराबर होगा तब यहाँ पे टेस्ट क्या होगा स्टूडेंट, फेल होगा. और जब टेस्ट फेल होगा तो हम यहाँ पे लॉगरिथमिक टेस्ट लगाएंगे. लॉगरिथमिक टेस्ट लगाने के लिए हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे यू एन प्लस वन अपॉन यू एन, तो इसको उल्टा करेंगे. उल्टा करने पर ये आ रहा है, देन हम क्या करेंगे, इसका लॉग लेंगे, लॉग एक सिंप्लीफाई करेंगे, देन ये वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे, देन इसको लॉग वन प्लस एक्स से खोलेंगे, देन सिंप्लीफाई करेंगे. तो स्टूडेंट यहाँ से इसकी वैल्यू 3/2 आ रही है, विच इज ग्रेटर देन वन, और ग्रेटर देन वन आती है सीरीज क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है. तो सीरीज यहाँ पे इस पे और इस पे क्या आ रही है, कन्वर्जेंट आ रही है, और इस पे यहाँ पे क्या आ रही है, डाइवर्जेंट आ रही है. तो स्टूडेंट मैक्सिमम क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, तो आप और भी क्वेश्चन अपने हिसाब से करें. यहाँ पे लॉगरिथमिक टेस्ट को इस तरह से हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं. और भी क्वेश्चन आपकी बुक में दे रखे होंगे, आप चाहो तो मैं इस टाइप के क्वेश्चन और भी मैं आपको करा दूंगा, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे ये क्वेश्चन इनफ है. सो स्टूडेंट लॉगरिथमिक टेस्ट के मैक्सिमम क्वेश्चन इस टाइप के हैं. सो आप देख लें, कोई अगर आपको डाउट आता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. और स्टूडेंट बने रहिए यहाँ पे, मैं आपके सामने और भी बहुत अच्छे वीडियोस लेके आने वाला हूँ. और मेरे जो भी वीडियोस हैं आपको प्लेलिस्ट में दिख जाएंगे. और भी आपकी डिमांड्स रहती है, स्टूडेंट्स कमेंट करते रहते हैं सर इसका वीडियो अपलोड करिए, इसका अपलोड करिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो एग्ज़ाम है उससे पहले मैं आपकी जो भी डिमांड्स है उसको मैं सेटिस्फाई करने की कोशिश करूं. और स्टूडेंट अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और बने रहिए मेरे साथ, मैं आपके लिए और भी अच्छा वीडियोज़ और अच्छा कंटेंट अपलोड करता रहूँगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़. थैंक यू.